आज है 15 जून 2021 ट्यूजडे मंगलवार, तो देख लेते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या होगा। कुछ खास है नहीं करने को, पर कुछ ना कुछ तो अपन कर ही लेंगे इंटरेस्टिंग सा। जैसे कल अपन ने किया था आईफोन ले लिया था सीधा, तो वो ब्लॉग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया पर्सनली। अगर 25 मिनट का भी होता ना तो मैं बिना स्किप करे देख सकता था। और इस ब्लॉग को शुरू कर जा रहे हैं समोसे खाने के लिए, और समोसे वाले की दुकान पर थोड़ा सा मस्ती करने वाले, कुछ फन करने वाले, तो देखते हैं क्या फन हम वहाँ कर सकते हैं। चल वहीं चलने के पास में, जल्दी कर, मतलब मना नहीं करते समोसे बोलेंगे कहाँ तेरे को मिल गया। पीयूष भैया बोलेंगे कहाँ से हाथ दिखा दिया। चलो इनको भी फेमस कर देते। जय माँ कह लगे बंजारी मंगोड़ी वाले इसकी दुकान है। बन रहे हैं कि बन गए? बन रखी पे लगा दो ये दो प्लेट कहे रोके तो ये ज्यादा पैसा आ गए। समोसा खिला रहे बुलाया तुझे तो खाएंगे ही। लगा दो ये, इस कोरोना काल में समोसे बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। दो प्लेट लगा दो, दूसरों को नहीं खा रही अपन उखाड़ दिया, अपन भूख लगी है कही। तुम्हारा नाम क्या? नाम भूल गया। इनको तो देखो क्या शौक से खा रहे हैं। कोरोना काल में भी खा रहे हैं। शादी वाले कैमरामैन बन रहे। हाँ फोकस जाएगा उसमें भी। चलो ठीक है, एक बार कैमरा देख के आए, हाथ ला दो, प्रैंक हुआ आपके साथ। हाँ 20 रुपए की खपत लग गई। ये शादी ब्याह के ऑर्डर लिए जाते हैं जरूर बाउटी स्टाल। और ये जय मंगारी, ठीक है प्रमोशन कर दिया। हाँ ये भैया है वो काम कर दीजिए जी। चल बाय, ऐसा करो ऐसे खिलाते रहो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग बाजी। और अभी हम थोड़ी देर पहले गए थे समोसे खाने के लिए, वहां की हमने क्लिप्स भी डाली हुई है, तो आपने क्लिप्स देखी होंगी। कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताओ। और रास्ते में हमें मिल गए थे पीयूष भैया, बहुत अच्छा नेचर है पीयूष भैया का, तो पीयूष भैया के लिए भी कुछ कुछ लिख देना कमेंट में, अच्छी अच्छी बात है। पीयूष भैया भी लिख देंगे वैसे तो। पीयूष भैया सोच रहे होंगे आज के हमने क्यों हाथ दे कर रोका, 20 रुपए की खपत लग गई से वैसे। बट पीयूष भैया ऐसे नहीं है, पीयूष भैया बुलाए ही थे समोसे खाने के लिए। हम लोग पहले क्योंकि भाई खाने पीने के मामले में बिल्कुल बेचना मानते थे बाहर से, तो बालकनी से। ये देखो भैया बाहर का मौसम कुछ ऐसा है आज। और मैंने जैसे कि आप लोगों से बोला था, मैंने सोचा हुआ है कि भैया बेशरम बन जाना एकदम, और वही करने की कोशिश है थोड़ी सी कि शर्म है बिल्कुल त्याग देनी है और बिल्कुल कैमरा उठाना है, लग जाना है ब्लॉग में। वो मुझे दूर से भी एक अंकल देख रहे हैं स्कॉर्पियो के पास खड़े हुए हैं, बट अब क्या कर सकते हैं। उन्हें भी लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, मोबाइल उल्टा पकड़ के एक डंडे से मोबाइल लगाया हुआ है और कुछ कर रहा है। तो यार मैंने थोड़ी देर पहले, अभी जब मैं समोसे खाकर लौट के आया था तब बज रहे थे 9:30, फिर मैं मुझे आगे थोड़ी सी नींद थी, मैं जब सोने के लिए गया, बैठ कर करते हैं बातें, फिर मैं गया सोने के लिए। उसके बाद जब मैं सोया तब मेरे को अच्छी गहरी नींद आई, जितनी रात को नींद आई जितनी नींद अच्छी मुझे सुबह आई। फिर जब सोकर उठा मुझे लगा 1:30-2 बज गए होंगे, चलो मस्त खाना खाएंगे जाके। जब मैंने टाइम देखा तो टाइम हो रहा था 11:27, लाइक सीरियसली 11:27, और मैं सोच रहा था कि बहुत टाइम हो गया होगा, दिन कट ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं आज। उसके बाद जब मैं नीचे गया, मम्मी खाना खा रही थी, पर मम्मी के साथ भी यही सेम चीज़ हुई, मम्मी का भी टाइम नहीं कट रहा था आज। तब मम्मी ने भी बोला कि जब मैं काम वाम कर सब सो गई थी, मुझे जब मैं उठी तो मुझे लगा कि यार 3 बज गए होंगे, 3:30 तो बज ही गए होंगे, और पापा अभी तक खाना खाने नहीं आए। मम्मी ने मोबाइल उठा के टाइम देखा और टाइम हो रहा था 12:10, और उसी टाइम पर पापा आए थे। फिर पापा को खाना वाना किया, पापा खाना वाना खा के फिर से निकल गए काम के लिए, और हम यहाँ पर बेरोजगारी काट रहे हैं। पर मेन मुद्दा मेरा ये है कि मैंने जो आज ऐसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ आज मैं कैमरा उठा के, तो मेन ये है कि मैंने आज यूट्यूब पर सर्च किया कि ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट कहाँ से लाएं, क्या करें ब्लॉगिंग में, क्या दिखाएं, डेली ब्लॉगिंग से बोर हो रहे हैं, 7 व्लॉग डाल चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ ब्लॉग में और कंसिस्टेंट कैसे रहूँ। तो मुझे एक चैनल मिला, मतलब बड़े बड़े चैनल बहुत सारे देखे, सबने बोला ये करो वो करो फलाना ठिकाना, बड़े लोग के ब्लॉग देखो उन्हें फॉलो करो, बट सबसे बढ़िया एडवाइस मुझे लगी इनसेन जैकी, एक चैनल है
जिसके अराउंड 2.82 के सब्सक्राइबर्स, मतलब वही 2800 को सब्सक्राइबर्स हैं। उनका चैनल मोनेटाइज भी है। वो भैया जो है एक रेडियो जॉकी है जहां तक मुझे पता है, उनका वीडियो रैंडमली मेरे सामने आया, मैंने वो वीडियो खोला और वो देखा, उन्होंने ऐसा मोटिवेशन दिया यार कि कुछ मत करो, कैमरा खोलो, चालू हो जाओ। कंटेंट ढूंढने से नहीं मिलेगा, मतलब कंटेंट आपके आसपास होता आपको दिखता नहीं है, देखना पड़ता है। किसी भी चीज को आप कंटेंट बना दो, कोई भी, वो ही बता रहे थे कि उन्होंने जब कैमरा उठाया तो उन्हें नहीं पता था मुझे क्या करना है। अभी एक नशे की तरह लेना है ब्लॉगिंग को, मतलब आप सुबह उठो तो आपको लगे नहीं यार अब तो कैमरा उठा के वीडियो बनानी है, तो बस वही चीज़ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला था खुलने की कोशिश करूंगा, वही खुलने की कोशिश मैं कर रहा हूँ अभी। जैसे कि आज हम स्टैंड गए थे, कल भी बस स्टैंड गए थे, तो आपने देखा होगा बिना भैया के साथ हम बहुत खुलकर बात की, हमने सब्जी वालों के साथ बहुत सारा खुलकर बात की, कैमरा लेकर सीधे भाग रहे थे, वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट जो थोड़ा अभी भी थोड़ा सा मतलब झिझक है अकेले कैमरा लेकर बाहर घूमने में, तो वो चीज़ जब दूर हो जाएगी ना, तो मतलब कम से कम 20-30-35 ब्लॉग हो जाएंगे तो वो चीज़ भी दूर हो जाएगी। और उसके बाद जितने भी लोग जो मुझे डिमोटिवेट करते हैं कि क्या कर रहा है फालतू काम ये वो, जब सक्सेस हो जाऊंगा तब उन्हें पता चलेगा कि नहीं ये फालतू काम नहीं था। क्या कहते उस टाइम खड़ा उसको देख, हेलो ये बोल रही है ना कल का भाई ये सिर्फ इससे सही बोलते हैं, पता है कोई बोलेगा इससे पेट प्रमोशन करवा था, जितनी वीडियो बोला है ना यही बोला है। हे हेलो वेलकम टू ब्लॉग बाद, कितना हल्ला किया है, कलर कलर सुंदर लड़की को देख के सब लाइक करेंगे, सुंदर है लड़की लड़की बेटा। पापा देखते हैं तेरे ब्लॉग, देखते हैं मेरे को सब पता चल जाता कौन देखता कौन नहीं देखता। ओ बोल दे, नहीं 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 सुन तो बोल दे, नहीं नहीं बोल दे राहुल भैया की स्कूटी चलाता, मेरी पर्सनल साइकिल है, राहुल की चलाता पहले तो मेरी साइकिल में घूमता था। नहीं नहीं बोल, नहीं ये दो बात हो गई, बोलता बोलता है नहीं सुन तो बोलता, अंबानी पहले मेरे साथ पढ़ता था, रईस हो गया तो हो गया, एटीट्यूड दिखाने लगा है, वही बोल रहा पहले तो मेरी साइकिल घूमता था। एवांस रिवांस एवांस डिवांस क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा, रिवांस स्पेलिंग बोलो देखो, रिवांस हटा दे तो। ये क्या नाम रखना टाइटल में, नाम रखे क्यों रखे तुम्हारा नाम टाइटल, नानू का नानू पानू, नानू का नाम नानी ने खींच कर लाया। तो हाँ ये अभी अभी मैच वैच खेल कर आए हम लोग और बहुत ज्यादा थक गए हैं, बीच में बन गया था बारिश का माहौल, हम लोगों को दौड़ दौड़ कर यहाँ अंदर आना पड़ा वापस, पूरा मैच खराब हो गया। वैसे भी मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं दो बार बैटिंग वैसे भी कर लिया था, एक बार ऊपर बॉल गई थी तो हम लोग पेड़ में लगना दूर खेलते हैं, बट पेड़ में लगी नहीं, जितनी भी मैंने बोल दिया पेड़ में लगी है और पेड़ से लग के और हाथ में आता तो कैच आउट नहीं होता, बट मैंने बोल दिया पेड़ में लगी है, सबको पता था मुझे भी पता था, बट फिर भी दूसरी बार बैटिंग मिली, दूसरी बार मैं आउट हो गया, फिर बारिश होने लगी तो भाग कर आ गया, मतलब भैया बारिश हो रही है मैच नहीं होने वाला, घर आ जाओ सब लोग भाग कर घर के लिए। चलिए मौसम दिखा देता हूँ एक बार बाहर का, ये समय है हमारी गरम गरम चाय पीने का, बारिश का मौसम अभी आया नहीं वैसे, फिर भी बारिश हो रही है तो बारिश का मौसम ही है हमारे लिए। इतना ज्यादा अंधेरा, इतना एक्सपोजर बढ़ाने के बाद भी कुछ नहीं दिख रहा है, अभी अभी जस्ट नंदन के घर से लौट कर आया हूँ, अभी जा रहा हूँ घर की ओर। तो जब मैं नंदन के घर से लौट कर आ रहा था तो मैंने लिया था एक एपी फिज बी फिज, तो उसका टेस्ट आप लोग को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताना, ज्यादातर लोग तो बोलते हैं बियर की तरह लगता है, बियर की तरह लगता है, भाई बियर तो कोई पी नहीं तो टेस्ट भी नहीं बता सकता कैसा लगता है, तो जिसने पी है वो बताओ कि क्या इसका टेस्ट बियर जैसा है, या फिर लोग ऐसे बोलते रहते हैं अफवाह फैला के रखते। तो ये था आज का ब्लॉग, इसको मैं यहीं पे करूंगा एंड, तो बता देना कैसा लगा आप लोग को ये वाला ब्लॉग, और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बोर ना करूं, आप लोगों को एंटरटेन करूं,
और एक बात मेरे को कमेंट में करके बताना कि व्लॉग्स के बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊं या ना लगाऊं, ऐसे ही रहने दूं, तो ये सब चीजें मेरे को आप बताओ। मैंने एक बार फिर से बता रहा हूँ, वीडियो लाइक करो डिसलाइक करो, बट मुझे फीडबैक दो कि हाँ भैया हम वीडियो तुम्हारा देख रहे हैं, मुझे वीडियो पसंद नहीं आया, वीडियो पसंद आया, ये सब चीज़ें बताया करो, तब ना मैं सुधार लाऊंगा। बिना फीडबैक का सुधार आदमी कैसे कर सकता है, जब आपको पता ही नहीं होगा, जब आपको मतलब मैथ्स वाला टीचर आपको बताएगा ही नहीं कि तुमने ये गलती यहाँ पे की है, तो आप उस चीज़ सुधारो कैसे। बस सेम वैसे ही मेरी ब्लॉगिंग में आप लोग बताओ क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैं सुधार लेकर आऊंगा। और यही था आज का ब्लॉग, तो इसे कर देना लाइक शेयर, सबको पता ही है, सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना है, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइब तो आप लोग दबा के कर रहे हो, मेरे को दिखाई दे रहा है, अभी 7 दिन में मेरे 30 सब्सक्राइबर बढ़े, बहुत बड़ी बात है, जो कि 30 सब्सक्राइबर बढ़ाना छोटी बात नहीं होती, बिना बोले ऐसे बोल तो रहा हूँ हर वीडियो में, फिर भी बिना बोले। और इस वीडियो को एंड करेंगे हम सौरभ जोशी के स्टाइल में, सो टाटा बाय बाय।